इंशाल्लाह आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वलादत की जगह पे मौजूद हैं माशाल्लाह। और ये बगदाद शरीफ से नजफ अशरफ जाने वाले रास्ते पे मौजूद है, और ये वही रास्ता है जहाँ पे हज़रत मौला अली सरकार के साहबजादगान के मज़ारात हैं, जिनमें हज़रत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली और उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम के मज़ार हैं। ये वही रास्ता है, उसी रास्ते पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये पैदाइशगाह है, और ये वो आतश नमरूद वाली जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने मलून ने आग जलाकर और आग में फेंका था। ये वही खंडरात हैं, देखें ये बहुत बड़ा इलाका है। ये आप बगदाद से नजफ शरीफ जाते हुए ये रास्ते में आएगा, इधर साइडों पे खजूरों के बाग हैं, और ये जगह है वो देखें, और यहाँ पे वो मलून नमरूद जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जलाना चाहता था और अपनी जो है वो बादशाही साबित करना चाहता था, आज देखें उसके खंडरात ही रह गए, और अल्लाह के नबी की वलादतगाह वाली जगह भी आज माशाल्लाह कायम और दायम है। हमारी खुशी नसीबी कि हम सारा काफिला यहाँ पर हाज़िरी दी, और ये वो मलून की जगह देखी नमरूद की। हर दौर में नमरूद जैसे फ़िरौन, नमरूद, यजीद जैसे लोग आए, नेस्तो नबूद हो गए, अगर नाम रहा तो अल्लाह के नबियों का रहा, अल्लाह के वलियों का रहा, अल्लाह के नबियों के सहाबा का रहा और सालेहीन का रहा। अल्लाह क्योंकि इस जगह पे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि मना किया गया हुआ है, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो हम बाउंड्री लगी हुई, हम काफ़ी दूर हैं यहाँ से, लेकिन आप तमाम अहबाब को ये जगह दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये वो नमरूद वाली जगह है जहाँ पे उसने कितने लाखों टन जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर जो है वो बनाया था, और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मलून अपने ही जगह पर बनाए हुए खुद ही जल कर बसम हो गया, एक मच्छर ने उसकी जान ले ली। और ये देखें ये वो जगह है, बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, हम काफ़ी दूर हैं यहाँ से। अब ये देखें, और ये सात खंडरात हैं जो इस मलून के महल के थे, वो भी आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे देखें, ये जितने भी ये एरिया में आपको नज़र आ रहे हैं ये इसी मलून के महलात के खंडरात हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये पूरा शहर उस ज़माने में जो आबाद था वही जगह, बहुत बड़ी जगह है, ये मीलों में ये जगह मौजूद है, और ये वो टावर भी मौजूद है वो सामने आपको नज़र आ रहा है।